क्या कर रही हो? आज मैं बड़ी इम्पोर्टेंट रील बनानी है। कौन सी रील बनानी है? गिव अवे की। आज मैं बहुत लेट उठा यार, पूरे चेहरे पे स्वेलिंग है आज मेरे। फिर से क्यों ऐसा डराओ? क्योंकि आपने खा लिया शो। हे गाइस, अस्सलाम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और बस आज थर्ड डे है लोनावला में, हम सब मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और सब फैमिली बहुत एंजॉय कर रही है, रूहान बहुत एंजॉय कर रहा है। ये ट्रिप बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अमेजिंग जा रहा है, बिकॉज एक तो बहुत समय बाद हम लोग आए हैं और एंड विला बहुत अच्छा है, पूरी वाइब बहुत अच्छी है, एंड बहुत सारे लोग हैं, सब लोग हैं, बेटी खाला, अम्मा, नाजा खाला, बच्चे सब हैं, तो इट्स अ लॉट ऑफ फन। एंड ऑब्वियसली रूहान का पहला ट्रिप है तो वो एक अलग ही जोश है सब में। ये कैसे बिना बताया इस पूल में? तो बिना बताए चुपके से घुस ली आप लोग पूल में? हाँ, आज तो नहीं आ रहे हम आप लोग। क्या बात है, ये आप अपने थोड़ा सा वेट से आगे निकल गई ना, जल्दी जल्दी करते करते। माँ अपनी जा रही, चलो अम्मा पैर लटका लो। 3-2-1 जाओ। अम्मी आप निकल गए। ओ आवाज जीत गई, आवाज जीत गई। पकड़ोगे नहीं ना तो अपने आप ऊपर आते हो, वो पकड़ के रुकना पड़ेगा नीचे। अच्छा। हाँ हाँ, अमल ना उठने में लगे ना, उठने में ना लगे संभलना। बस बस आधे पानी मत रहो नीचे बस। इसलिए पीछे आया हूँ मैं। मैंने सुन लिया आप बोल रहे पानी डाले। सुन लिया मैंने, नहीं आएगा। अम्मा पे जाएगा। हमें पाइप से अम्मा देख रहे हो क्या कर रही है। चलिए मैंने चेंज में चलिए, आज मैंने नहाया नहीं यार, टाइम पास के पे नहाया नहीं मैंने आज, ठीक है चलेगा, छुट्टी की मूड लो। अब सोचा हूँ नीचे कुछ गेम खेलो, कुछ चैलेंज कंपटीशन वाले गेम, ठीक है छुट्टी पे आए तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो चलो चलते हैं नीचे और सोचता हूँ मैं क्या करवा सकता हूँ सबको। ये देखो आज ये यहाँ पे हम सबके लिए वड़ा पाव बना रहा है। सही है, टेस्ट कराया था ना आपको एक बार। हाँ तो ये घर पे तो सबको ही बना के मैं खिला चुका हूँ। हाँ। आज आप लोगों को बना के खिलाता हूँ। कोई भी कुछ हो रहा था भाई तो डाल लेते, ठेला वायरल हो जाएगा। तो एक गेम मैंने डिसाइड कर लिया। हाँ। बलून वाला होगा, ठीक है। हाँ। वो कैसा होगा मैं बताऊंगा। हाँ। और एक गेम में इससे कुछ होगा रिलेटेड, वो मैं बताऊंगा नहीं, उस टाइम बताऊंगा। अच्छा, वैसे हाँ अब वो देखना उस टाइम पे, ठीक है क्या होगा हम बताएंगे उस टाइम पे। हैं तुम तो कल वैसे ही जीत चुकी हो। मुझे अभी एक चीज बताओ दीपी, ये कल प्राइस जीती है तो इसको पैसे हाथ में तो नहीं पैसे चाहिए या कोई गिफ्ट दिमाग चल के बताओ। इसको मुंबई चल के आप पूरे 5 मिनट दोगे लाइफस्टाइल में रह जा करके, ये जो उठा है वो इसका, ठीक है डन। ये पैसे चाहिए पक्का डन। चलो दिल खोल के उठा ना। थैंक यू भाभी। ये जो गेम, एक तो बलून वाला है, सबके हाथ में लेडीज जो होंगे बलून होगा और हाथ में टूथपिक होगा, तो अपना बलून संभालना है और दूसरे का फोड़ना है, जो लास्ट में जीता उसका बलून होगा। और दूसरा चैलेंज जो है वो ये है कि इसके दो, ये एक वो एक कट जाएंगे मतलब लूंगा, दो हाथ में दूंगा, एक स्पॉट दूसरा स्पॉट एंड का चेयर रखी होगी वहां पे, वहां जाके बैठना है, तो एक हाथ में होगा और एक पैर के नीचे होगा, तो एक टाइम पे एक ही पैर रखना, तो उसको उठाओ रखो आगे जाओ आगे जाओ, ठीक है। अब चाहे तुम ऐसे बैठो इसको उठाओ, ऐसे बैठो उसको उठाओ, तो ऐसे मजे है ना, क्या बोलती हो? ये डिफिकल्ट है यार, आई नो डिफिकल्ट है, और ठीक है या बच्चों से करवा दूंगी। इसके बाद मैंने 2-3 चैलेंज निकाले, ठीक है जो थोड़े से मजा आएगा बच्चों के लिए भी, इन बड़ों के लिए भी मजा आएगा।
ठीक है, रेडी अम्मी चैलेंज के लिए? तो चले क्या, हमने वहां जाते, हमने कोई बात नहीं, बैठी खड़ा रेडी हमेशा क्यों? अच्छा लगता है हमारे हमारे हिसाब से देना, हमारे हिसाब से आपको शायद ना भी दूं मैं। हाँ, सही, अब देखेंगे, पर दूंगा मैं, मजा आएगा अम्मी को, मजा आएगा। हाँ नहीं देना, हाँ जब तो मजा आएगा, अम्मी नहीं होगी तो फिर मजा नहीं, मजा नहीं आएगा। अरे वाह, तो ये बनाए हैं अंकित आजाद ने, वड़ा पाव मैंने बनाया, क्योंकि ये टेस्ट का मेरे को अंदाजा नहीं है बैलेंस होगा कि नहीं, नमक मिर्च मसाला, ये थोड़ा थोड़ा जब बनाता था ना तो ये परफेक्ट बनता था, अभी टेस्ट करके बताना कैसे। नाइस, मिर्ची मिर्ची सब साथ में। अम्मी अंकित ने वड़ा पाव बनाया आज, ठीक है, तो ये खा रहे हैं हम अंकित के हाथ का बना वड़ा पाव। थैंक यू अंकित। गरम गरम खा लिया, बड़ा पाव बम्बे वाला है, और ये पाव देखो नाइस। अच्छा चलो, ये अच्छा मैं रोती तो हंसता है क्यों? मैं रोजी चालू आलू, मेरे छोटे से चालू आलू, और उसके बाद चैलेंज तो मैंने नहीं किया, हम शाम को बैडमिंटन खेलने लगे, और उसके बाद दिमाग में खुराफा सोचा, अंकित ने स्पीकर में कुछ क्रीपी सी वॉइस लाइक पायल की, यू नो डॉग्स जो जब रोते हैं उनकी आवाज़ लगा दी, गाड़ी के पीछे स्पीकर रख दिया, और सबके रिएक्शंस देखो, ये वाइड शॉट है, इसमें आपको सिर्फ अफरा तफरी जो है वो सुनाई देगी, दिखाई देगी कहीं कहीं, और इसमें कहीं कहीं फ़ोन का प्लेसमेंट यानी कैमरा एंगल प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि छुपा के हम यू नो शूट कर रहे थे, सबको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके लिए सॉरी। क्या है चंगा दा? हाँ, 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 नहीं है। आपस में ये लोग बोलते हैं, कहता है आपस में ये लोग कुत्ते कुत्ते करते हैं, मैं जितना मैं भी सुना हूं, आंटी बोलते हैं इनको जब कुछ दिखता है तब ये लोग ऐसा रोते हैं। रूहान का बज रहा है, बस वही हम कह रहे कि क्यों ये कतु तू बंद बना के रखी, कुछ हमने भी पढ़ा है, धमका रहा है ये तो सब कर दूंगा, चलो चुप के नाम लगेंगे, नहीं ये बेटी फिर घूमना फिर उसका ये ले, नहीं हल्का सा आई रही बाजी स्कान मावा, नहीं आई भाई हमारे नहीं आई भैया, मैं ड्यूटी बोलूं मेरे भी नहीं भी नहीं भूखने की सुनाई बस से उसके मुझे नहीं आई, पैसा का तो वो है मोह, मैं तो इधर खड़ा था मेरे को भी नहीं आ रही, नहीं आई इन लोगों के हमेशा इन्हें कुछ ना कुछ दिखाई देते हैं, इतना डर रहा बेटी कभी ना कभी थी अपने घर, मैं डर कभी नहीं डर रहा, हां सही आती थी मैं, नहीं एक सेकंड सुनो 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 सुनो, तुम्हारा भाई नहीं होता लेकिन मैं नहीं डरती किसी से, सुनो कुत्ते की भौंकने की ऑब्वियसली बात है, पायल की बात मुझे नहीं सुनाई दी, नहीं नहीं तुम्हें नहीं, मुझे बताओ पहले नहीं आई, जब बाद में अभी एक बार मैंने थोड़ा सा आई हल्की कोई ना किसी कोई चलो चलो दो फोन दो मैं देख जाऊं, छोटी और अम्मा भी चली गई, अम्मा क्या सनी भाई इतने इंटेंस माहौल में डरा दिया, तो ये अलग डरा, अम्मा जाएगी देख के आएगी, अरे हट तो चलो खेलो तो भैया का गेम खराब कर दिया, तुम्हें आई देखो मेरे कान में वैसे भी उसका ट्यून बज रहा है, अंदर सो जाऊंगी, नहीं नहीं मैं सब कंफर्म
बेटी खाला बोल रही है कि पायल की आवाज आई, तो कुत्ते की आवाज तो आई उसके रोने की, लेकिन बेटी खाला सारा और सालू महर ये बहुत बोल रहे हैं पायल की आई थी भी पायल की एविडेंट आवाज आई अभी। तो तुम्हें आई कान में घुसेगा समझ रहे हो चल सारा कोने में देख झिंगुर जो सुनता है उसी को सबूत देना पड़ता है। तो मैं मतलब तीन लोग अभी भी आ रही क्या? अरे खुद कर रही हूँ वही अच्छा खासा आप चैलेंज करते तो टाइम भी निकल जाता मजा भी आ जाता। अरे कुछ नहीं है साले चैलेंज करना तो क्यों नहीं चालू भाई आप चैलेंज नहीं करेंगे नहीं नहीं मुझे आग लग रही है अम्मा कह रही ना जब बेटी कर रहा है ना अंदर चल तुम्हें बाहर रोड दिखा के लाऊं तो तो भौंक रहे भाई कुत्ते की आवाज तो मेरे को आ रही है कुत्ते की आवाज पायल की मुझे अब मुझे भी सुनाई दे अच्छा एक सेकंड ये लोग ना कंफ्यूज हो रहे हैं कीड़े और पायल की आवाज़ में दो मिनट शांत रहो कीड़े की आवाज़ है नहीं पायल नहीं नहीं भाई इस टाइम मेरे को भी आई आ रही है इस टाइम मेरे को आई है ये कीड़े की नहीं थी अरे सानू उस साइड से आई है अब नीचे नहीं उतरना नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ मेरे को आ गई इस टाइम मैं नहीं जा रहा हूँ नहीं इस टाइम मेरे को भी पायल की आवाज़ है कसम से आई है इस टाइम मेरे को भी आवाज़ आई आना देख कर आ गया लेकिन जाने के सबको अरे भाई रहने दो ना भाई आ जाओ रहने दो आ जाओ भाई रहने दो ना जंगल हो सकता बस सही में समझाओ इसको बीमारी देख डर तो मेरे को भी लग रहा है अंदर ही सही रहेगा खाना अरे जंगल है जो भी जाने दो हमसे क्या मतलब क्यों किसी का हल्ला मचाए पड़ी पायल पहने हो ना पायल पहना है ये देखो अभी ये देखो तो आज बेसिकली मैं चैलेंज शूट करने वाला था कि मैं बहुत ज़्यादा लिजी मूड में था मैं नहीं कर पाया और आज पता नहीं इन लोगों को कुछ अजीब सा साउंड जो है बाहर सुनाई दिया है और सब डर की वजह से यहाँ बैठे हुए हैं जो कि मुझे अब तक सुनाई नहीं दिया इन सबको ये लग रहा है कि बाहर हम जब थे तो वहाँ पे डॉग्स जैसे रोते नहीं है तो वो तो मुझे भी सब हाँ हम सबको सुनाई दे रही थी इनमें से सारा को महर को शालू को इन सबको लगा पायल की बेटी खाला को सबसे बेटी खाला पायल की छनछन की आवाज़ आ रही है और सब डर की वजह से यहाँ पे अंदर बैठे हुए हैं और अगर देखा जाए तो बेटी का भाई पायल पहन के घूम रही है ऐसा नहीं देखा पायल ये देखो ये और सब बोल रहे हैं कि ऐसी आवाज आ रही है नहीं वो बहुत ज्यादा आ रही है सानू बहुत ज्यादा इस पायल खनखनाती है हो सकता है मुझे नहीं सुनाई दिया अम्मा आपको सुनाई दी नहीं सुनाई दी बेटी को बैठा तुमने क्या देख लिया कोई को देखा वहां से जा रहा है
वाह बेटा, एक बार सच में क्या था, बस कुछ दिखा जाती हूँ। आवाज कर, बैटरी लो गई अब इसके टाइम पे। देखो अमेरिका में तो ये भरोसा ही नहीं था मुझे, ऐसा कर सकता ये तो भी सही है। अब आखिरी टाइम बोला कि हम लोगों ने कहा कि ऐसे नहीं साथ में यकीन करेंगे, जब हमने धर्म दादा को पूछा हमने कहा धर्म दादा कहाँ है, धर्म सच में सो रहा है, धर्म सच में सो रहा है, देखा अम्मा। सुना दिया हो, वो सुना दिया हो, गाड़ी के पीछे। हाँ इरशाद को, सनी सनी को, निकू को, इन सबको पता था, सनी को भी पता था। एक बार जिंदगी सुना के यहाँ रख देते हाँ, सब बजा देते एक बार, सब मार देते। पर वो फिर बहुत एविडेंट रहता है, समझ में आता है यहाँ से बज रहा है। मैंने सही बोला था कि पायल की आवाज़ आ रही है, इसको कहाँ से आई थी जब ये गई थी, ये तो अंदर से आई है। जब ये अंदर से आई थी ना, हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे हाँ? तब ये जब भी तो हल्की सी छनकी ऐसे हाँ, जो अम्मी बेटी खाला यहाँ बैठी हुई थी वॉक कर रहे थे, ये हल्की सी छनकी हाँ? उसने मुझे देखा, मैं क्या हुआ, तो चली गई थी ऐसे। बोला हमसे आके बेटी खाला से, बोला बेटी खाला इसको डांटा कि तुम ये कौन सी नई नई बात कर रही हो पायल, वो फर्स्ट टाइम वाले जो बजाया था ना उसमें ही आ गई थी, उसको आवाज आ गई थी। सारा क्या क्या बोल रही थी, और सारी कारिस्तानी इसकी है, क्योंकि मैं बता कि क्या प्रैंक करे रात में आ, तो ये हम बैडमिंटन खेल रहे थे, बोलते भाई मैंने लगा रहा हूँ साउंड, मैं लगा दे भाई, तो वहां से पायल की वो शुरू हुआ। प्रैंक करते हैं ना तो थोड़ा सोच समझ ही करते हैं, ठीक है दीपिकी, हम लोग प्लान करते हैं, सोच समझ ही करते हैं। सोचो अगर इस पूरे हाल में ये जो चल रहा था, एक बार पूरे बंगलों की लाइट बंद करवाया था घर में, फिर क्या होता, ये था इनको डालने का प्रैंक, लेकिन ये सिर्फ अभी एक पार्ट है, इसके बाद जो हुआ है जो हमने और रात में किया है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह देखने को मिलेगा, और वो थोड़ा सा और ज्यादा क्रीपी था, ब्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, मैंने सोचा इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगा, तो वो भी देखिएगा, और ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है, जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।